कृपया सामन्याला सुरुवात करायची आहे. मॅच बॉल प्लीज. हॅलो हॅलो ए पप्पू पप्पू हे हा पहिली मॅच म्हणजे लिस्ट वगैरे अगोदरच घ्यायला पाहिजे. हा मला मग स्कोरिंग हे तू कोण चला काढे इलेव्हन संघाची सलामीची जोडी मैदानात आलेली आहे. डॉक्टर खाडे संघ परत एकदा दोन्ही संघांचा एक बॉल मॅच बॉल द्यायचा आहे. रसिक इलेव्हन आपला एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त खेळाडू इकडे समालोचन कक्षात पाठवायचा आहे. रसिक इलेव्हन चला रसिक इलेव्हन क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचंय. दिवस पहिला पहिल्या दिवसातला पहिला सामना डॉक्टर खाडे वर्सेस रसिक इलेव्हन. कृपया सूचनेकडे लक्ष द्यायचं आहे. पहिल्या षटकातला पहिला चेंडू पाडायच्या आधी आपला अतिरिक्त खेळाडू इथे समालोचन कक्षात येणं गरजेचं आहे. अदरवाईज तुम्हाला 3 रनांची पेनल्टी देण्यात येईल. 3 धावांची तुम्हाला अतिरिक्त अशी पेनल्टी देण्यात येईल. त्यामुळे कृपया रामदेव इलेव्हन आपल्या संघाचा एक अतिरिक्त खेळाडू इथे समालोचन कक्षात पाठवायचा आहे. हॅलो हॅलो तसेच गोराई वॉकर्सचे अध्यक्ष हेलार सरफरे यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील सिद्धेश्वर मित्रमंडळाकडनं हार्दिक स्वागत. कॅमेरा जागे आ रहा है. पुन्हा एकदा सिद्धेश्वर मित्रमंडळ आयोजित गोराईचा महाराजा चषक 2024 वर्ष 32वे गोराई अंतर्गत भव्य सौरम क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन. दिवस पहिला पहिल्या दिवसातला पहिला सामना डॉक्टर खाडे विरुद्ध रामदेव इलेव्हन. रामदेव इलेव्हन आपला एक अतिरिक्त खेळाडू इकडे पाठवायचा आहे. माझी विनंती आहे त्या संघाला पहिल्या षटकातला पहिला चेंडू पडायच्या आधी तुमचा एक अतिरिक्त खेळाडू इकडे येणं गरजेचं आहे. अदरवाईज तुम्हाला 3 धावांची पेनल्टी देण्यात येईल. माझी विनंती आहे रामदेव इलेव्हन या संघाला तुम्हाला अशीच जर पेनल्टी घेऊन सुरुवात करायची असेल त्याला काही गत नाही. सो कृपया सामन्याला सुरुवात करायची आहे. प्रमुख पंच प्रशांत मयेकर ही परत एकदा पाचवी सूचना आहे रामदेव इलेव्हन या संघाला. शेवटची सूचना आपला एक अतिरिक्त खेळाडू इकडे पाठवायचा आहे. चला सामन्याला सुरुवात करायचं आहे. दोन्ही संघांचे अतिरिक्त खेळाडू इथे समालोचन कक्षात आलेले आहेत. मी आभारी आहे दोन्ही संघांचा.
चला पहिल्या सामन्यातला पहिलं शतक घेऊन येतोय तो म्हणजे रसिक रसिक भाई। सामना करतील हॅलो हॅलो सूरज डॉक्टर खाडे यांच्याकडनं एक सलामीची जोडी पाठवण्यात आलेली आहे ती म्हणजे स्ट्राईकला आहेत ते म्हणजे सूरज नॉन स्ट्राईक आहेत विशाल। चला पहिल्या दिवसातला पहिला सामना पहिल्या सामन्यातलं पहिलं शतक टाकतो तो म्हणजे रसिक भाई। सामना करतील सूरज। चला सामन्याला सुरुवात करायची आहे। चला वेळेचं बंधन आहे आपल्याला। पहिलं शतक हे पॉवर प्लेचं शतक असेल। चला रसिक भाई सामना करतील सूरज। पहिला चेंडू डायरेक्ट बॉल चेंडू जाते तो म्हणजे सीमा रेषा पार। सुंदर असं स्वागत केलंय ते म्हणजे रसिक भाई यांचं। डीजे सुंदर असा षटकार। पहिला चेंडू सहा धावा। जर सुरुवातच अशी असेल तर शेवट कसा असेल? सहाचा स्ट्राईक रेट आहे 600। अप्रतिम अशी फलंदाजी करतो तो म्हणजे सूरज। षटकातला दुसरा चेंडू एक अवांतर धाव व्हाईट बॉल। धावसंख्या सरकते पुढे ती म्हणजे 7 धावा। एक चेंडू 7 धावा। काहीस नियंत्रण बिघडते ते म्हणजे रसिक भाई यांचं। षटकातला दुसरा चेंडू पुन्हा एकदा डायरेक्ट चेंडू। चेंडू गेलाय तो म्हणजे सीमा रेषा पार। पुन्हा एकदा षटकार एक सुंदर असं मधुर गीत होऊन जाऊ दे। चला तिसरा चेंडू सुरुवात करायची आहे सामन्याला सुरुवात करायची आहे। घनाघाती फलंदाजी करतो तो म्हणजे सूरज डॉक्टर खाडे या संघाकडून। 25 मिनिटात हा सामना पूर्ण करायचा आहे आपल्याला त्यामुळे कृपया याची लक्षता घ्यायची आहे। 2 चेंडू 13। षटकातला तिसरा चेंडू पुन्हा एकदा मोठा असा फटका। झेल होतोय की काय? 2 रन पूर्ण। तिसरी धाव देखील घेतलेली आहे। अप्रतिम अशी फलंदाजी ती म्हणजे सूरज। धाव संख्या झाली आहे ती म्हणजे 16। पाचशेचा स्ट्राईक रेट आहे। सुंदर काय फलंदाजी करतोय। षटकातला चौथा चेंडू पुन्हा एकदा मोठा फटका मारायचा प्रयत्न। काहीस मिसफील्ड। एक धाव पूर्ण। दुसरे धावायचा प्रयत्न पण एक धावावर समाधान मानत धावसंख्या सरकली पुढे ती म्हणजे 17। पहिल्या षटकातला 17 धावांचा असा मोठा परिक्रम तो म्हणजे सूरज यांच्याकडनं। पुन्हा एकदा स्ट्राईकला आहेत सूरज। पुन्हा एकदा मोठा फटका मारायचा प्रयत्न 17 और ये है बना खतरा। आणि झेल घेतलेला आहे। पहिला बळी बळकावलाय तो म्हणजे रसिक भाई याने। काहीस मागड शतक पण एक मोठा गडी बाद करलाय तो म्हणजे वैयक्तिक असे 15 धावा करत परततोय तो म्हणजे सूरज। पाच चेंडू 17 धावा। चला न्यू बॅट्समॅन स्ट्राईकला येत आहेत ते म्हणजे अजय। हा देखील एक बलाढ्य असा फलंदाज। षटकातला शेवटचा चेंडू घेऊन येतो म्हणजे रसिक भाई। सामना करतील अजय।
पुन्हा एकदा डायरेक्ट बॉल, चेंडू जातो तो सीमारेषा लगत, सुंदर असं क्षेत्ररक्षण, एक धाव पूर्ण, दुसरे धावायचा प्रयत्न, धाव बाद होतोय की काय, धाव पूर्ण करत धाव संख्या झाली ती म्हणजे 19, 1919, पहिलं शतक संपतंय. पहिल्या षटकानंतर धाव संख्या झाली ती म्हणजे 19. अप्रतिम अशी फलंदाजी बघायला मिळते ती म्हणजे डॉक्टर खाडे या संघाकडनं. स्ट्राईकला येतो म्हणजे विशाल, आणि षटकातलं दुसरं शतक घेऊन येतोय, सामन्यातलं दुसरं शतक तो म्हणजे करण. एक मोठ्या धावपट्टीचा असा हा फलंदाज, सामना करतील विशाल. दुसरं शतक, दुसऱ्या षटकातला पहिला चेंडू, स्ट्राईकला येतो म्हणजे विशाल. विशाल यांचा मोठा असा फटका, चेंडू जातो तो सीमा रेषा बाहेर की आत, काहीशी नशिबाची साथ. कम करतायत ते म्हणजे प्रत्येक षटकाला पहिल्या चेंडूवर. पुन्हा एकदा अप्रतिम असा हा चेंडू, डॉट बॉल, काहीस सावरतोय स्वतःला तो म्हणजे करण. ह्या चेंडूंची गरज आहे ह्या सामन्याला, ह्या चेंडूंची गरज आहे की का, कारण धाव संख्या पोचली ती म्हणजे 23 धावांवर. विकेटची गरज आहे ती म्हणजे रसिक भाई या संघाला, रामदेव भाई. पुन्हा एकदा मोठासा फटका, झेल होतोय की काय, चेंडू गेलाय तो सीमारेषा लगत, अंपायर कडे लक्ष, हात फिरवलेला आहे. 4 धावा. नशा तेरी अखां विच आवे मन, मैं वेखिया बड़ा बनाए लत्तां विच आवे मैनूं. 27 धावा झालेल्या आहेत दुसऱ्या षटकातल्या 3 चेंडूंवर, 27 धावा आलेल्या आहेत. चौथा चेंडू सामना करतील तो म्हणजे विशाल. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न. धाव पूर्ण करतायत, धाव संख्या झाली ते म्हणजे 29. दुसऱ्या षटकातला चौथा चेंडू झालेला आहे, धाव संख्या झाली ती म्हणजे 29. डीजेला माझी विनंती आहे, कृपया मराठी गाणी वाजवायची आहे. दुसरा शतक, षटकातला 5वा चेंडू. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, एक धाव पूर्ण, एक धावेवर समाधान मानतोय. धाव संख्या झाली ती म्हणजे 30. 1-2 गो. स्ट्राईक बॅट्समॅन आहे अजय करण यांचा सामना करतील. एक याची मोठी धावपट्टी आहे, तेवढाच वेगवान असा हा चेंडू. सामना करतील अजय. पुन्हा एकदा मोठा फटका, अप्रतिम असा शॉट. पाणी पाठवायचं आहे, कृपया पाणी पाठवायचं आहे. सिद्धेश्वर मित्रमंडळ मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी कृपया पाण्याचं
आयोजन करायचं, जरा लक्ष द्यायचंय मैदानात. विनायक जाधव जे कुठे असतील कृपया पंचांशी संपर्क साधायचा आहे. सिद्धेश्वर मित्रमंडळ गोराईचा महाराजा चषक 2024 अध्यक्ष उत्तम दरेकर, तसेच सचिव श्री मनोहर बातुसे, खजिनदार श्री समीर महाकाळ, कार्याध्यक्ष श्री प्रकाश बने यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. दिवस पहिला, पहिल्या दिवसातला पहिला सामना चालू आहे, तो म्हणजे डॉक्टर खाडे विरुद्ध महादेव इलेव्हन, रामदेव इलेव्हन. हा, कृपया मराठी गाणी वाजवायचे, जरा माहोल बनवायचं आहे, मुलांना देखील मजा आली पाहिजे. पहिल्या षटकारानंतर दुसरा षटकार आला पाहिजे, दुसऱ्या षटकारानंतर तिसरा. चला, नवीन शतक घेऊन येतोय तो म्हणजे राहुल. रामदेव इलेव्हन या संघाकडनं नवीन शतक घेऊन येतो म्हणजे राहुल. सामना करतील विजय, विशाल विशाल. कृपया स्कोरने जवळ बसायचंय. चला, तिसऱ्या षटकातला पहिला चेंडू. वेलकम करतोय की काय याकडे लक्ष. आता भाव उलटा आलेला आहे. रामदेव इलेव्हन या संघाने वेलकम केलेला आहे. डॉक्टर खाडे या संघाला दुसरा षटका. डीजे अजून मराठीच गाणी शोधतायत की काय. वाजवा. पहिला दुसरा विकेट. सुरेश अप्रतिम असा झेल घेतलेला आहे. सुरेश इकडे हात दाखवायचा आहे समालोचन कक्षात. अप्रतिम असा झेल काहीसा सामन्याला सावरतोय. तो म्हणजे राहुल. पहिल्याच चेंडूवर बळी मिळकावलाय तो म्हणजे राहुल. न्यू बॅट्समन अभिषेक. चला, षटकातला दुसरा चेंडू. सामना करतील तो म्हणजे अभिषेक. मोठा असा फटका, अप्रतिम असा शॉट. दोन धाव पूर्ण, तिसरे धावायचा देखील प्रयत्न. धाव पूर्ण करत धाव संख्या सरकली आहे पुढे, ती म्हणजे 39. षटकातला तिसरा चेंडू. सामना करतील अजय. पुन्हा एकदा डायरेक्ट बॉल, चेंडू जातो तो म्हणजे नदी किनारी समुद्र पार. ती म्हणजे 45 धावा. काहीस मोठ लक्ष दिसत आहे. षटकातला चौथा चेंडू. सामना करतील अभिषेक. कव्हरच्या दिशेने मारलेला हा चेंडू. एक धावेवर समाधान मारतो तो म्हणजे अभिषेक. धाव संख्या झाली 46 धावा. षटकातला पाचवा चेंडू. सामना करतील अभिषेक. मोठा असा फटका, रिपीट दॅट शॉट. चेंडू जातो तो सीमा रेषा बाहेर. पंचांकडे लक्ष. साधवा मधुर गीत.
षटकातला शेवटचा चेंडू बाकी. या गाण्यानंतर काहीसा जोश देखील अभिषेक यांना आला असेल. बावन धावा झालेल्या आहेत. हाफ सेंचुरी या संघाने मारलेली आहे. सुंदर अशी सुरुवात डॉक्टर खाडे या संघाकडनं. पुन्हा एकदा मोठासा फटका. झेल होतोय. झेल टिपलेला नाही आहे. कॅचेस मिन वॅचेस. काहीच लक्ष विचलित झालंय. चोपन्न धावा 54 तीन षटकानंतर 54 धावा. झेल घेणं गरजेचं आहे या सामन्यात. आधीच आपण भरपूर धावा खर्च केलेल्या आहेत. 18 धावांची सरासरी त्यांनी राखून ठेवलेली आहे. ते म्हणजे डॉक्टर खाडे या संघाकडनं अप्रतिम अशी फलंदाजी करतायत. नवीन बॉलर येतात म्हणजे विशाल. सामनाला सावरण्याची गरज. विशाल यांच्या हातात सगळी सूत्र. सामना करतील तो म्हणजे अजय. चला षटकातला पहिला चेंडू. अप्रतिमसा चेंडू. एक धावेवर कदाचित समाधान मानतील. धाव संख्या सरकली पुढे. एक धावे नेती म्हणजे 55. हा देखील एक घोराईतला अप्रतिमसा गोलंदाज आहे विशाल. एक लांब अशी धावपट्टी त्याची. वेगवान असा हा गोलंदाज. दुसरा चेंडू घेऊन येतोय. पुन्हा एकदा मोठा फटका. क्षेत्ररक्षक आणि अप्रतिम असा झेल. काहीच सामन्याला सावरतो तो म्हणजे विशाल. ह्या गोलंदाजाला पहिलं येणं गरजेचं होतं माझ्या माहितीने. दुसरा चेंडू अप्रतिम अशी गोलंदाजी. धाव संख्या झाली ती म्हणजे 59. चौथ्या षटकातला शेवटचा चेंडू. सामना करतील प्रसाद. मोठ्या फटक्याची अपेक्षा डॉक्टर खाडे या संघाला. प्रसाद यांच्याकडनं एक धाव पूर्ण केलेली आहे. एक धावेवर समाधान मानत षटक संपलेलं आहे. आणि धाव संख्या झाली ती म्हणजे 60. सहा धावांचा असं षटक टाकलेलं आहे तो म्हणजे विशाल. अप्रतिम अशी गोलंदाजी केलेली आहे त्याने म्हणजे रामदेव इलेव्हन या संघाकडनं.
चला शेवटचं षटक महेश चेतन चेतन न्यू गोलंदाज नवीन गोलंदाज तो म्हणजे चेतन वैयक्तिक पहिलं आणि संघासाठी शेवटचं शतक टाकतोय महत्त्वाचं शतक टाकतोय तो म्हणजे चेतन सामना करेल प्रसाद डायरेक्ट बॉल तुम्ही जर झोळीत टाकाल तर तुम्हाला झोळीतच मिळणार सर्व झोळीत होळी धाव संख्या सरकले पुढे ती म्हणजे 66 धावा प्रसाद यांनी प्रसाद दिलेला आहे दुसऱ्या चेंडूवर लक्ष मोठ्या फटक्याची गरज ते म्हणजे डॉक्टर काडे या संघाला पुन्हा एकदा काही अपेक्षा प्रसाद यांच्याकडनं धाव बाद होईल धाव बाद झालेला आहे तो म्हणजे पंचांकडे निर्णय आउट ओके धावपाच झालेला तो म्हणजे प्रसाद एक मोठा फटका तो म्हणजे डॉक्टर काडे या संघाला पण काहीसं नियंत्रण बनवलेलं आहे सामन्यावर ते म्हणजे डॉक्टर काडे या संघाने यापुढील होणाऱ्या सामन्याचं नाणेफेक करून घ्यायचं आहे विनायक जाधव चला वैयक्तिक पहिलं आणि संघासाठी तिसरं पाचवं शेवटचं शतक टाकतोय तो म्हणजे पुन्हा एकदा डायरेक्ट बॉल एक धाव पूर्ण आणि धाव संख चार धावा नो बॉल पंच फ्री हिट दिलेली आहे काहीसं मागडं शतक मोठा फटका मारायचा प्रयत्न दोन्ही स्टाईल काहीसे बीट होत आहेत धाव बाद होऊ शकला असता पहिला धाव पूर्ण दुसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न दुसरी धाव देखील पूर्ण केलेले अप्रतिम असे एफर्ट्स ते म्हणजे डॉक्टर काडे या संघाकडनं त्र्याहत्तर धावा झालेल्या आहेत 73-3 पुन्हा एकदा मोठा फटका मारायचा प्रयत्न काही संघाचं असं क्षेत्ररक्षण एक धावेवर समाधान मानतायत धाव संख्या सरकली पुढे ती म्हणजे 73 धावा ओके 74 74 धावा 2-2 स्वयंभू 11 अँड बीवा 11 दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी समालोचन कक्ष द्यायचे नाणेफेकीसाठी याचा पुढील होणारा सामना अप्रतिम असा हा चेंडू एक धावर समाधान मानतायत धाव संख्या पुढे सरकले ती म्हणजे 75 कृपया ही इनिंग संपायच्या आधी समालोचन कक्ष द्यायचं आहे दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी बीवा रायडर्स अँड स्वयंभू 11 नाणेफेकीसाठी यायचंय षटकातला शेवटचा चेंडू मोठा फटका मारायचा प्रयत्न देखील एक धाव पूर्ण सुंदरसं क्षेत्ररक्षण एक धावेने समाधान मानत धाव संख्या झाली ती म्हणजे 77 धावांचं मोठं लक्ष ठेवलं तर म्हणजे रामदेव 11 या संघासमोर चला एक जरा मधुर गीत होऊन जाऊ दे तसेच सिद्धेश्वर मित्रमंडळाचे एक पदाधिकारी देखील रवी वाकोडे यांचं देखील आगमन झालेलं आहे त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत
ओके शंकर इलेवन आणि बिवा रायडर्स, बिवा रायडर्स अँड शंकर इलेवन. नाणेफेकीसाठी यायचं आहे बाबा, नाणेफेक करून घ्यायचं आहे. बिवा रायडर, बिवा रायडर या संघाचे कर्णधार. टॉस द्यायचं आहे. चला नाणेफेक होते ती म्हणजे बिवा रायडर्स विरुद्ध शंकर इलेवन. शंकर इलेवन चला कृपया नाणेफेक करून घ्यायचंय बाबा. कॅमेरामॅन अमित इंदुलकर सर, मी कुठे असाल तर समालोचन कक्षाजवळ यायचंय लवकर त्वरित. सिद्धेश्वर मित्र मंडळाचे तसेच धडाडीचे कार्यकर्ते आणि सदस्य ते म्हणजे अमित चव्हाण यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचे पुत्र देखील त्यांच्यासोबत आहेत. सिद्धेश्वर मित्र मंडळाकडनं त्यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत. चला वेळेचं बंधन आहे, सामन्याला देखील सुरुवात करायची आहे आणि नाणेफेक देखील करून घ्यायचं आहे. विरुद्ध शंकर इलेवन यानंतरचा होणारा सामना श्री मनोहर भातुसे यांनी या सामन्याचा नाणेफेक करून घ्यायचं आहे. एक डीजे ओके, पहिला फोटो काढून घ्या, पहिले फोटो काढून घ्या.
आणि नाणेफेक जिंकली ती म्हणजे शंकर इलेव्हन या संघाने. त्यांचा निर्णय त्वरित कळवायचा आहे. चला सामन्याला सुरुवात करायची आहे. ओके, दोन मिनटं थांबायचं आहे, त्यांचं काम होतं झालंय. शंकर इलेव्हन आणि बिवा रायडर्स या दोघांनी आपले 11 खेळाडूंची नावांची यादी इकडे द्यायची आहे आणि एक अतिरिक्त खेळाडू देखील समालोचन कक्षात पाठवायचा आहे. कृपया पाण्याचं नियोजन करायचं आहे सिद्धेश्वर मित्रमंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी. आणि कॅमेरामॅन अमित तेंडुलकर यांना एक शेवटची विनंती, थोडं सामन्यावर लक्ष द्या. थांबायचं आहे जरा, दोन मिनटं सामन्याला थोडं वेळ थांबवायचं आहे, दोन मिनटं. चालेल, चला सामन्याला सुरुवात करायचं आहे. कृपया तुमचा अतिरिक्त खेळाडू इकडे पाठवायचा आहे. हॅलो हॅलो, धन्यवाद. शुभ सुबह के साथ एक बार फिर अब क्रिकेट की शुरुआत होती हुई. हॅलो प्रमुख पंच मयेकर सर, थोडा सामना थांबवायचा आहे, एक मिनटं. कृपया तुमचा अतिरिक्त खेळाडू इकडे पाठवायचा आहे. बॅट्समन नेमची नावांची गरज आहे. आपण यूट्यूब लाईव्ह ही टुर्नामेंट करतोय. कृपया रामदेव इलेव्हन. आधीच तुमच्या संघाची बिकट परिस्थिती आहे, त्यात तुम्हाला जर पेनल्टी देण्यात येईल तर ती अजून बिकट होऊ शकते. कृपया लक्ष द्यायचं. चला सुरुवात करायचं सामन्याला. धन्यवाद. अब शुरुआत होती है. फुल टॉस गेंद, गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र में और इसी के साथ यहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद आती हुई. एक रन का फासला बाद दो रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज. और इसी के साथ मयंकर सर का हमारी तरफ इशारा आता हुआ चौका लगता हुआ. यह अच्छी शुरुआत यहाँ पर. गेंदबाज के रूप में सूरज की गेंदबाजी, पहली ओवर की शुरुआत होती हुई यहां पर. और बैट्समैन के रूप में है शार्दुल और उनके साथी बल्लेबाज राहुल की जोड़ी मैदान के बीच में 77 रन का पीछा करती हुई. और इसी के साथ बल्ले का बाहरी किनारा लगकर विकेट कीपर के ऊपर गेंद जाती हुई. एम्पायर सर का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ. एक रन का डिक्लेयर जोन पर. इसी के साथ एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर सिद्धेश्वर मित्र मंडल द्वारा. यह भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन आप सभी यहाँ पर पेप्सी ग्राउंड के मैदान पर देख रहे हैं. इस मंडल की शुरुआत अगर मैं बात करूँ तो 1992 में उनकी शुरुआत हुई थी. 32 साल का उनका लंबा सफर और काफी शानदार सफर इस सिद्धेश्वर मित्र मंडल के सभी पदाधिकारी, सभी मेंबर, सभी कमेटी मेंबर, सभी साथीगण. और इसी के साथ यह डॉट बॉल आता हुआ ऑफ स्टंप से बाहर. स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 5 रन. एक बार फिर क्रिस के कोने को इस्तेमाल किया था. बल्ले का निचला हिस्सा लगकर गेंद गई थी मिड ऑफ की दिशा पर. गेंद को फील्ड किया तब तक एक रन लेने में कामयाब दोनों ही खिलाड़ी ने अपना अपना क्रिस का कोना बदलते हुए एक एक रन से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए. 5 ओवर का यह मुकाबला है. 6 रन हुए हैं आखिरी गेंद इस ओवर की. और इस मुकाबले को हासिल करने के लिए करीब करीब 77 रन का जो टारगेट रखा गया है. बीवा राइडर्स या सर्व 11 खेळाडूंनी समालोचन कक्षाजवळ यायचं आहे. बीवा राइडर या संघाच्या सर्व खेळाडूंनी समालोचन कक्षाजवळ यायचं आहे. पहिली ओवर की समा बीवा रायडर या संघाच्या सर्व खेळाडूंनी समालोचन कक्षाजवळ यायचं आहे फोटोग्राफसाठी. टीम फोटोग्राफ होणार आहे.
77 रन का पीछा करते हुए रामदेव क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी और ये बढ़िया ऐसा शॉट, गेंद जा रही है वो सीमा रेशा के पास, दो रन लेने के लिए कामयाब। और इसी के साथ अजय अब गेंदबाजी का भार संभालते हुए दूसरी ओर की अपनी अगली गेंद लेकर, जबकि 77 रन का पीछा कर रहा है रामदेव क्रिकेट टीम को डॉक्टर खाड़े 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 74 रन बनाए, 77 रन का टारगेट। अजय एक बार फिर गेंद को खेला था लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, खिलाड़ी वहां पर है लेकिन वह थोड़े परेशान, गेंद आगे गिरी थी और इसी के साथ दो रन लेने में कामयाब। दोनों ही बल्लेबाज ने अपने अपने क्रीज के कोने को बदलते हुए इसका स्ट्राइक को रोटेट करते हुए एक अच्छी शुरुआत, यहां पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 10 रन, लेकिन अभी भी अमित इंदुलकर कृपया समालोचन कक्षा जवळ यायचे। अमित इंदुलकर बिवा राइडर या संघाचा मिड ऑन की दिशा पर गेंद को फील्ड किया, तब तक एक रन लेने में कामयाब। काफी लंबा सफर तय करना है यहाँ पर इस टीम को, रामदेव इलेवन को, इस मुकाबले को जीतने के लिए कई रनों की आवश्यकता है। और दूसरा और प्रगति पर चल रहा है, आप सभी नजारा करते हुए अजय राइट आर्म और द विकेट, बढ़िया शानदार गेंदबाजी, लेकिन उसी अंदाज में खिलाड़ी ने खेला था मिड ऑन की दिशा पर। वहां पर खिलाड़ी कोशिश जरूर की थी, एक लंबी छलांग लगाई थी, लेकिन वहां पर एक रन लेने में कामयाब। कैच छूटता हुआ, मुकद्दर रुटता हुआ, वहां पर बल्लेबाज को एक जीवनदान मिला। और अजय एक बार फिर, दो गेंद अभी भी बाकी है और स्कोर आगे बढ़कर हो गए 12। और ये हवा में गेंद, खिलाड़ी एक बार फिर नीचे है, लेकिन देखते हैं वहां पर खिलाड़ी कैच किया गया लेकिन एम्पायर का क्या इशारा आता हुआ, क्योंकि देखिए वहां पर हरी भरी जाड़ है, पेड़ है। और इसी के साथ कैच विकेट के रूप में वहां पर एक सफलता मिलती हुई खाड़े इलेवन के गेंदबाज अजय को, शानदार कैचिंग का प्रदर्शन वहां पर देखने को मिलता हुआ। आखिरी गेंद इस ओवर की, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 12 रनों पर, अभी भी कई रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को हासिल करने के लिए, क्योंकि खाड़े इलेवन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने निर्धारित 5 ओवर में 74 रन बनाए थे, 77 रन का टारगेट रखा था रामदेव क्रिकेट विरुद्ध। रामदेव क्रिकेट के दोनों बल्लेबाज अब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आखिरी गेंद इस ओवर की, और अजय अपनी आखिरी गेंद लेकर इस ओवर की राइट आर्म ऑफ द विकेट हमसे दूर वाले शोर पर, बेहतरीन शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकली, इसी के साथ डॉट बॉल आता हुआ ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 6 रन की औसत से 12 रन बने हैं, अभी भी 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है और लंबा सफर तय करना है यहाँ पर इस मुकाबले में अगर बने रहना है तो। रामदेव क्रिकेट के बल्लेबाजों को एक लंबी पारी खेलनी होगी, किसी भी एक बल्लेबाज को एक अच्छी शानदार पारी खेलनी होगी, एक बड़ी सी ओवर की यहाँ पर जरूरत है, जिसमें करीब करीब 25 से 28 रन तक अगर बनते हैं तो इस मुकाबले में जरूर बने रहेंगे रामदेव इलेवन की टीम। लेकिन डॉक्टर खाड़े इलेवन की टीम के गेंदबाज की मैं जरूर तारीफ करूंगा, दोनों ही गेंदबाज जिन्होंने पहली गेंदबाजी की ओवर की थी, राहुल जिन्होंने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था, उसके बाद उनके जो शानदार गेंदबाज है साथी गेंदबाज अजय जिन्होंने भी शानदार गेंदबाजी की, अपनी टीम को एक अच्छी तरह से अच्छे पोजिशन पर लेके जाने के लिए दोनों गेंदबाजों ने अपना अपना काम किया है। अब तीसरी ओवर लेकर आ रहे हैं निखिल आए हुए हैं, जिनके कंधों पर एक जिम्मेदारी है रन को रोकने के लिए, लेकिन उनका सामना करेंगे बल्लेबाज राहुल, लेग स्टंप से बाहर। और इसी के साथ डेड बॉल, 18 गेंदों पर 65 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को हासिल करने के लिए।
निखिल गेंदबाजी का भार संभालते हुए राइट अमोर द विकेट और ये हवा में गेंद बैट का ऊपर का हिस्सा लगकर गेंद गई थी सीधी शॉर्ट लेग पर। हवा में काफी तरह समय पर गेंद लहराई हुई थी लेकिन खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं थे वहां पर। और इसी के साथ दोनों ही बल्लेबाज ने अपना अपना क्रीज के कोने को बदलते हुए एक एक रन से अब दोनों ही बल्लेबाज आगे बढ़ते हुए, लेकिन यहाँ एक एक रन की जरूरत नहीं है, आपको बीच बीच में चौके और छक्के लगाने होंगे तब जाके आपका हौसला बढ़ेगा, बल्लेबाज बल्लेबाजी के शानदार बल्लेबाजी कर पाएगी और गेंदबाज के ऊपर एक दबाव आएगा, ये कोशिश करनी होगी आपको। और एक बार फिर बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद गई थी फाइन लेग क्षेत्र में और एक रन का इशारा आता हुआ एम्पायर सर का हमारी तरफ, एक रन की बदौलत अब स्कोर को आगे बढ़ाते हुए स्कोर हो चुका है करीब करीब 14 रन, जबकि इस मुकाबले को हासिल करने के लिए पहले बल्लेबाजी में डॉक्टर खाड़े 11 के बल्लेबाज ने शानदार बल्लेबाजी की और चौके छक्के की जो कहते हैं धूप में एक बरसात हुई, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हुई, 74 रन बनाए 76 रन। और रामदेव क्रिकेट टीम के जब बल्लेबाज करने के लिए बल्लेबाज आए थे दूसरी पारी में तो 77 रन का उनको पीछा करना था, उसमें थोड़े से मेरे ख्याल से शायद नाकामयाब रहे क्योंकि उनको पहली ओवर से एक अच्छी शुरुआत करनी थी। पहली ओवर में एक शानदार गेंदबाजी की राहुल ने, उसका साथ दिया अजय ने और अब निखिल आए हुए जो वही रास्ते पर अपने गेंदबाजों का साथ देते हुए बैट का बाहरी किनारे लगकर गेंद गई थी स्क्वायर लेग की दिशा पर, गेंद को फील्ड किया तब तक एक रन, जब तक थ्रो आता तब तक दोनों खिलाड़ी ने एक एक रन से एक एक रन को आगे बढ़ाते हुए 15 रन हुए हैं। सिद्धेश्वर मित्र मंडळा तर्फे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे बोरिवली तालुका अध्यक्ष मनोहर बातुसे तसेच वॉर्ड अध्यक्ष 16 सूरजजीत सिंग राजवत, तालुका उपाध्यक्ष श्रीरंग भिलारे तसेच गोराई वॉकर्सचे अध्यक्ष LR सरबरे यांनी या सामन्याला उपस्थिती दाखवली, त्याकरता सिद्धेश्वर मित्र मंडळाकडनं त्यांचे हार्दिक स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद प्रथमेश सर और सभी मेहमान यहाँ पर उपस्थित हुए, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार फिर खेलना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में लेकिन अपना मन बना लिया था, बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गिन गई। स्क्वायर लेग की दिशा पर तब तक 2 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज राहुल और उनके साथी बल्लेबाज गौरव और राहुल की जोड़ी। निखिल गेंदबाजी का भार संभालते हुए फुल टॉस गेंद थी लेग स्टंप से बाहर और एम्पायर सर का हमारी तरफ इशारा आता हुआ वाइट बॉल का, एक अंतरिक रन ऑन मिला, 2 रन बने, 2 रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 20 रन। अभी भी इस मुकाबले को हासिल करने के लिए 57 रनों की आवश्यकता है और इस ओवर की अगर मैं बात करूं तो आखिरी गेंद निखिल और एक बार फिर देखिए एम्पायर का क्या इशारा आता हुआ, 9 बॉल का, धन्यवाद शॉर्ट पिच गेंद थी, 9 बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ, फ्री हिट होगी, 21 रन हुए हैं। राहुल और गौरव की जोड़ी कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो रहे क्योंकि गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को जकड़ के रखा हुआ है। लेग स्टंप से बाहर एक बार फिर शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन होता हुआ लेकिन वहां पर ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 21 रन रामदेव क्रिकेट टीम का यहां पर स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलता हुआ। डॉक्टर खाड़े 11 के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की थी, पहला मुकाबला आप सभी के नज़रों के सामने से पेप्सी ग्राउंड पर यहां पर खेला जा रहा है, आप सभी नज़ारा करते हुए पहला मुकाबला यहां पर है डॉक्टर खाड़े 11 विरुद्ध रामदेव क्रिकेट क्लब, इसके बाद का अगला मुकाबला खेला जाएगा लेकिन तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ पेप्सी ग्राउंड गोरा विस्तार का यह जो शानदार क्रिकेट ग्राउंड है चारों तरफ यहाँ पर हरी भरी या पेड़ झाड़ियाँ लगी हुई है और शानदार उसके बीच में यह ग्राउंड सिद्धेश्वर मित्र मंडल द्वारा भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन आप सभी नजारा करते हुए फोर्स वन लाइव द्वारा यह क्रिकेट टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट आप सभी घर पे बैठकर हमारे जो साथीगण हमारे जो प्रेक्षक इस मुकाबले का घर पे बैठ के नजारा कर रहे हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत। अब मनोहर आए हुए गेंदबाजी का भार संभालने के लिए, तेज गति के गेंदबाज है, शानदार गेंदबाज है डॉक्टर खाड़े
इलेवन की टीम में, जिन्होंने सभी गेंदबाजों ने जब जब मौका मिला तब तक उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को बैठ के मुंह खोलने का मौका नहीं दिया। बल्ले का बाहरी किनारा लगकर वहां पर विकेट कीपर के पीछे गेंद गई है, एक रन का फासला पार होता हुआ, तेज गति की गेंद थी और एक एक रन से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए मनोहर एक बार फिर अपनी अगली गेंद लेकर शानदार तेज गति के गेंदबाज। 23 रन हो चुके हैं, करीब करीब 10-15 कदमों का रनर अप, तेज गति की गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंद, लेकिन उसी अंदाज में गेंद को खेला था, गेंद गई सीधी लॉन्ग ऑन की दिशा पर, एक रन का फासला पार होता हुआ और इसी के साथ लगता हुआ यह चौका। शानदार क्रिकेट मुकाबला खेला जा रहा है यहाँ पर और यह लगा चौका, शानदार चौका लगा एक सप्ताह के बाद सिद्धेश्वर मित्र मंडल द्वारा गोराईचा महाराजा चषक। आप सभी नजारा करते हुए एक बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने यहां पर बल्लेबाज खेलना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन गेंद थोड़ी धीमी आई, बैट पहले ही निकल गई थी, बल्लेबाज ने अपना मन बना लिया था लेकिन आखिरी मोड़ पर वह शायद मेरे ख्याल से कुछ समझ नहीं पाए गेंदबाज को, गेंद को और ये आई डॉट बॉल। मनोहर एक बार फिर अपने अगली गेंद लेकर राइट अबाउट द विकेट हमसे करीब आते हुए, बहुत ही बढ़िया शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन और ब्लॉक ऑल में गेंद, यानी कि शायद मेरे ख्याल से लेग बिफोर के रिप में विकेट यहां पर दिया गया है एम्पायर द्वारा और इसी के साथ यह विकेट गिरती हुई रामदेव क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज और एक बल्लेबाज पवेलिंग का तरफ रुख करते हुए और यह मधुर संगीत डीजे। अब पूरी तरह से रामदेव क्रिकेट टीम के बल्लेबाज थोड़े परेशान हैं, बल्लेबाजी उनसे हो नहीं पा रही है क्योंकि एक दबाव था उनके ऊपर 77 रन जो 77 रन का जो उनके सामने टारगेट था। अब आए हुए श्रेयस नए बल्लेबाज, शानदार गेंदबाज है गोरा विस्तार के रामदेव क्रिकेट क्लब के, जिन्होंने अपने समय में शानदार बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए, आज एक मौका दिया है। बैट का बाहर किनारा लगकर गेंद गई मिड ऑफ की दिशा पर, गेंद को शानदार कैचिंग का प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ, बेहतरीन कैचिंग का प्रदर्शन मिड ऑफ की दिशा पर खिलाड़ी। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 27 रन 27। अभी भी इस मुकाबले को हासिल करने के लिए आखिरी 6 गेंद का खेल बचा हुआ है। गेंदबाज के रूप में आए हुए नए बॉलर अमय आए हुए अपनी आखिरी गेंद आखिरी ओवर लेकर अपनी टीम के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर वाइट बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ और एक आंतरिक रन और एक मिलता हुआ 28 रन बने हैं। बल्लेबाज की अगर मैं बात करूं तो नए बैट्समैन ताना आए हुए नए बल्लेबाज, लेकिन अमय की मैं तारीफ करूंगा, बहुत ही शानदार, देखिए छोटे कद के खिलाड़ी है, शानदार रात तेज गति की गेंदबाजी करते हैं, करीब करीब 15-16 कदमों का उनका जो रनर अप है, तेज गति की गेंदबाजी लॉन्ग ऑफ की दिशा पर बेहतरीन गेंदबाजी और इसी के साथ गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा पर, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, एक रन का फासला पार होता हुआ और इसी के साथ देखिए एम्पायर का क्या इशारा आता हुआ चौका, शानदार चौका लगता हुआ। अमय एक बार फिर अपनी अगली गेंद लेकर राइट अबाउट द विकेट, 4 गेंद बची हुई है स्कोर की,
और बेहतरीन शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। इसी के साथ शायद मेरे ख्याल से बल्ले का बाहरी किनारा लगकर विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, एक शानदार कैचिंग का प्रदर्शन वहां पर देखने को मिलता हुआ बल्लेबाज विकेट खोकर पवेलियन में लौटते हुए। और आधी टीम रामदेव क्रिकेट क्लब की जो आधी टीम है वह पवेलियन में लौट चुकी है और मुकाबले में अब औपचारिकता बची हुई है, क्योंकि कई रन बनाए थे डॉक्टर खाड़े इलेवन के बल्लेबाजों ने और उनका पीछा करना था रामदेव क्रिकेट क्लब के सभी खिलाड़ियों को। एक अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी पारी खेलनी थी, एक साझेदारी बनानी थी, लेकिन वहाँ में वह नाकामयाब रहे और आधी टीम पवेलियन में लौट चुकी है। फुलटॉस गेंद थी और देखना चाहेंगे डॉट बॉल आता हुआ, एम्पायर का इशारा है हमारी तरफ। प्रशांत मयंकर सर एक शानदार एम्पायर, उनके साथ में हमारे मित्र, हमारे सीनियर बाबा ठवाल सर, जिनके बारे में मैं आपको मौका मिलते ही बताता रहूँगा। और ये हवा में गेंद आती हुई, गेंद गई मिड ऑन की दिशा पर, एक रन का फासला पर होता हुआ और इसी के साथ ये लगा चौका गोराचा महाराजा चषक का, या चौका शानदार चौका लगता हुआ। आखिरी गेंद इस ओवर की बची हुई है, औपचारिकता यानी कि इस पारी की आखिरी गेंद और डॉक्टर खाड़े इलेवन के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने निर्धारित 5 ओवर में 76 रन बनाए, 77 रन का जो टारगेट रखा, 77 रन का जो टारगेट रखा था उस टारगेट को पीछा करने के लिए रामदेव क्रिकेट क्लब के जो ओपनर बल्लेबाज आए थे उनको एक रणनीति बनानी थी, एक साझेदारी बनानी थी, एक पार्टनरशिप बिल्डअप करनी थी। कहते हैं कि एक इमारत बनाते पहले आपको एक पिलर तैयार करना है, उसके बाद आप इमारत के जो फ्लोर है उसको तैयार करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो पिलर तैयार करते ही उनके जो बल्लेबाज थे वो शायद मेरे ख्याल से कुछ समझ नहीं पाए किस तरह से पार्टनरशिप बिल्डअप करने में थोड़े नाकामयाब रहे और नतीजा यहाँ पर ये देखने को मिलता हुआ कि यह मुकाबला अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। डॉक्टर खाड़े इलेवन को कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से और डॉक्टर क्षमा चाहता हूँ, जो उनके विरुद्ध में जो टीम थी रामदेव क्रिकेट टीम वो पराजित हो चुकी है। अगले मुकाबले में डॉक्टर खाड़े इलेवन की टीम पहुंच चुकी है, लेकिन अब दूसरा मुकाबला आप सभी के नज़रों के सामने खेला जाएगा। मैं विनंती करता हूं टॉस हो गया, शंकर इलेवन के कप्तान ने टॉस जीतकर क्या निर्णय लिया।